जितने भी बाउंड्री लेयर के कॉन्सेप्ट हो रहा है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्लो सेपरेशन है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि सेपरेशन हमारा किसी भी बाउंड्री लेयर में या किसी बाउंड्री में किस प्रकार से होता है, तब तक आप उस बाउंड्री की अच्छे से डिजाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो फ्लो सेपरेशन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामों में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे भी जाते हैं, बहुत सारे लोग इस चीज को रट भी लेते हैं उनकी कंडीशन को। लेकिन यहां पर आप कंडीशन को समझिएगा, फिर आप सोचिएगा कि ये कंडीशन जो है कैसे याद रखनी है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फ्लो सेपरेशन को समझना। तो भैया मेरे, अगर फ्लो सेपरेशन को समझना है तो उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे। अगर वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने क्लियर हो गए तो फिर चीजें आपको आसान लगेगी। जरा ध्यान दीजिएगा, बाद में हम लोग फ्लो सेपरेशन समझेंगे, पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो पहला जो मेरे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि सर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मेरे पास एक ये कन्वर्जेंट ट्यूब है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मेरे पास एक कन्वर्जेंट ट्यूब है। ये मैंने कोई कन्वर्जेंट ट्यूब दिखाई आपको, कोई भी कन्वर्जेंट ट्यूब मान लीजिए, ये कोई कन्वर्जेंट ट्यूब है और फ्लो मान लीजिए लेफ्ट से राइट की ओर हो रहा है। फ्लो कहां से कहां हो रहा है, तो फ्लो मैंने ऐसा कह दिया कि सर फ्लो लेफ्ट से राइट की ओर हो रहा है। ये एंट्री वाला सेक्शन हो गया, ये तुम्हारा एग्जिट वाला सेक्शन हो गया। तो होता क्या है कि जब भी कभी मेरे पास कोई भी कन्वर्जेंट ट्यूब होगी, कोई भी कन्वर्जेंट ट्यूब होगी, तो कन्वर्जेंट ट्यूब की खास बात क्या होती है, अच्छा इस एक्सिस को मैं अपनी एक्स एक्सिस कहूंगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा है। तो एक्स एक्सिस इस तरफ हो रही, वाई एक्सिस ऊपर की हो रही, ये सब अंडर स्टूड वाली बात है। आगे बात सुनिए, तो यदि मैं आपसे ऐसा कहूं कि ये जो सब कन्वर्जेंट सेक्शन है, इस कन्वर्जेंट सेक्शन में एरिया क्या हो रहा है, तो एरिया तो लगातार बढ़ रहा है, सॉरी एरिया लगातार घट रहा है, और एरिया लगातार फ्लो की डायरेक्शन में घट रहा है, तो बताइए वेलोसिटी क्या होगी। वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी, और वेलोसिटी अगर लगातार बढ़ेगी तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन प्रेशर लगातार घटेगा। बहुत ध्यान सुनते हैं ना, प्रेशर लगातार घटेगा। मैं ये कह सकता हूं कि जब फ्लो मेरा लेफ्ट से राइट की ओर हो रहा है तो प्रेशर लगातार घट रहा है, ध्यान देते रहना भाई सब लोग, और वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। तो मैं एक छोटी सी बात यदि बोलूं कि प्रेशर सर लगातार बढ़ रहा है, घट रहा है, तो मैं एक छोटा सा मॉलिक्यूल्स ले लेता हूं, मान लीजिए कोई भी ये फ्लूड मॉलिक्यूल्स ऐसे बीच में था, लेकिन मैं उसको बाहर निकाल के दिखा रहा हूं, तो बाहर निकाल के दिखाऊंगा तो आप कह सकता हूं कि यहां पर इस फ्लूड मॉलिक्यूल, ये कोई भी फ्लूड मॉलिक्यूल्स है, तो इस मॉलिक्यूल्स पर लेफ्ट साइड से भी कुछ प्रेशर काम कर रहा होगा, राइट साइड से भी प्रेशर कुछ काम कर रहा होगा। तो लेफ्ट साइड से मान लेता हूं कि प्रेशर P1 है, राइट साइड से प्रेशर P2 है। तो एक बात बताइए जरा, फ्लो जैसे जैसे हो रहा है, एरिया घट रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, प्रेशर घट रहा है, तो प्रेशर ध्यान देना लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर घट रहा है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि P1 और P2 प्रेशर में से P1 प्रेशर ज्यादा हो रहा है जबकि P2 प्रेशर कम हो रहा। बोली भाई, बात सबको समझ में आ रही ना। अब इसके बाद मैं आपसे पूछता हूं कि सर आपने P1 और P2 प्रेशर के बारे में बता दिया कि सर P1 प्रेशर ज्यादा है, P2 प्रेशर कम है, यानी जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ रहे हो वैसे वैसे कह सकता हूं कि प्रेशर मेरा घट रहा है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि इस डायरेक्शन में मैं आपसे पूछूं कि डेवर पी अपॉन डेवर एक्स बताइए क्या होगा, इस डायरेक्शन की ओर डेवर पी अपॉन डेवर एक्स बताइए क्या होगा, जीरो होगा कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो आप कहोगे कि जब सर लेफ्ट से राइट की ओर आ रहे हो तो लेफ्ट से राइट की ओर आने पर एक्स बढ़ रहा है, तो एक्स बढ़ रहा है तो नीचे वाला टर्म पॉजिटिव, लेकिन लेफ्ट से राइट की ओर आने पर प्रेशर घट रहा है, प्रेशर घट रहा है, प्रेशर घट रहा है तो ऊपर वाला टर्म निगेटिव, तो दोनों का जो रिजल्टेंट आ जाएगा ये बढ़ा ये घटा, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का नेट रिजल्टेंट निगेटिव आएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर ये मान मेरा निगेटिव आने वाला है। इस निगेटिव को मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि डेवर पी अपॉन डेवर एक्स का जो मान होगा वो मेरा लेस देन जीरो होगा, है ना। तो प्रेशर ग्रेडियंट इन एक्स डायरेक्शन इज लेस देन जीरो का मतलब ये है कि प्रेशर अलोंग द फ्लो घट रहा है, प्रेशर अलोंग द फ्लो घट रहा है। आगे बात सुनिए, प्रेशर अलोंग द फ्लो घट रहा है, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब एक बात बताइए, अगर मैं छोटे से कोई मॉलिक्यूल्स की बात लेता हूं तो इस मॉलिक्यूल्स पर लेफ्ट से प्रेशर काम कर रहा है P1, राइट से प्रेशर काम कर रहा है P2, और कह सकता हूं कि ये P1 ज्यादा हो रहा है, P2 कम हो रहा है, क्योंकि अलोंग द फ्लो प्रेशर घट रहा है। अब फ्लो भी देखिए, बहुत ध्यान से सुनना, फ्लो लेफ्ट से राइट हो रहा है और प्रेशर जो है P1 ज्यादा है, P2 कम है। तो एक बात बताओ, ये प्रेशर P1 और P2 जो मैंने दिखाए, जिसमें P1 बड़ा है P2 छोटा है और फ्लो लेफ्ट से राइट हो रहा है, तो ये प्रेशर डिफरेंस फ्लो को और कराना चाहेगा कि फ्लो मतलब फ्लो के
साथ दे रहा है कि फ्लो का विरोध कर रहा है, थोड़ा सोचिए इस बात को। प्रेशर P1 ज्यादा है, फ्लो हमारा लेफ्ट से राइट की ओर हो रहा है, तो फ्लो का साथ दे रहा है ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जब भी कभी मेरे पास ये प्रेशर ग्रेडियंट होता है लेस देन जीरो या प्रेशर ग्रेडियंट नेगेटिव में होता है, तो ऐसे प्रेशर ग्रेडियंट को बोलते हैं फेवरेबल प्रेशर कंडीशन, प्रेशर कंडीशन या प्रेशर ग्रेडियंट कुछ भी कह दीजिए, फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट, फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट है ना। क्यों ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि जब भी कभी प्रेशर ग्रेडियंट मेरा नेगेटिव हो रहा है तो इसका मतलब होता है अलोंग द फ्लो प्रेशर घट रहा है। इसका मतलब पहले प्रेशर ज्यादा बाद में प्रेशर कम, तो फ्लो हमारा अलोंग द फ्लो हो रहा, क्या बोलते हैं, फ्लो हमारा प्रेशर जो है अलोंग द फ्लो हमारा साथ दे रहा, इसी वजह से इसको फेवरेबल प्रेशर कंडीशन कहते हैं या प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, आगे बात सुनिए सर, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होता है कि ये जो प्रेशर है हमारा, ये प्रेशर अपने उस मॉलिक्यूल्स को और धक्का देते हुए कह सकते हो कि फ्लो के अलोंग मोशन को और पुश करता है यहां। ठीक है, अगर तुम लेफ्ट से राइट जाना चाहते हो तो ये प्रेशर ग्रेडियंट उस मॉलिक्यूल्स को लेफ्ट से राइट की ओर ही और धक्का देगा, और धक्का देगा, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स कहीं रोटेगा नहीं, इसका मतलब है मॉलिक्यूल्स कहीं स्टॉप नहीं हो रहा, क्योंकि फ्लो भी लेफ्ट से राइट हो रहा है और P1 भी ज्यादा है, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स कहीं स्टॉप नहीं हो रहा, कहीं भी नहीं रुकेगा। तो कहीं भी नहीं रुकेगा, तो मैं इस बात को अगर यहां दिखाऊं जैसे कि मैं तीन चार सेक्शन पहले बना देता हूं, तीन चार सेक्शन, ये पहला सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है, ये तीसरा सेक्शन है। फ्लो में थोड़ा सा और आगे कर देता हूं, फ्लो में थोड़ा और आगे कर देता हूं, तो मैंने अगर चार सेक्शन दिखाया तो मैं कह सकता हूं कि इन चारों सेक्शन पे जो वेलोसिटी ज्यादा हो रही है वो सबसे ज्यादा इधर हो रही है। तो एक बात देखिए, यहां वेलोसिटी कम तो प्रोफाइल थोड़ी सी ऐसी आएगी, इस सेक्शन पे वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा तो प्रोफाइल थोड़ी और ऐसे, थोड़ी और ज्यादा प्रोफाइल और ऐसे, और यहां पर वेलोसिटी सबसे ज्यादा तो प्रोफाइल ऐसे, देख लीजिए। अरे भैया, वेलोसिटी जैसे बढ़ती है तो प्रोफाइल का जो फैलाव है वो भी तो बढ़ता जाता है ना, है ना। तो प्रोफाइल मैंने बना के दिखा दी, सर ये प्रोफाइल है मेरी, किसकी प्रोफाइल है, तो कहोगे वेलोसिटी प्रोफाइल है, सर ये वेलोसिटी प्रोफाइल है, पहले वेलोसिटी टर्म, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू टर्म, थोड़ी और ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू, थोड़ी और ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू, फिर सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू, चटी जी। तो ये मेरी जो प्रोफाइल बनाते दिखाई गई वेलोसिटी प्रोफाइल है। तो कन्वर्जेंट पोर्शन में, ध्यान से सुनना, कन्वर्जेंट पोर्शन में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं आता जहां वेलोसिटी हमारी कम हो रही हो या मॉलिक्यूल्स स्टॉप ले रहा हो। मॉलिक्यूल्स हमेशा अपनी स्पीड को बढ़ाता रहता है, कहीं पर भी मॉलिक्यूल्स स्टॉप नहीं लेता, और जब भी कहीं मॉलिक्यूल्स स्टॉप नहीं ले रहा तो कभी भी सेपरेशन नहीं हो रहा। अभी क्यों नहीं सेपरेशन हो रहा, इस बात को आप तब समझोगे जब आप समझ लोगे कि सेपरेशन होता क्या है। फिलहाल इस बात को समझिए कि कहीं भी सेपरेशन नहीं हो रहा। और उसके साथ साथ एक छोटा सा पॉइंट मैं और क्लियर कर देता हूं कि इसके अगर जो बाउंड्री वाली पॉइंट है या बाउंड्री वाले मॉलिक्यूल्स है, इन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी पर एक टेंजेंट की डायरेक्शन खींची जाए, टेंजेंट की डायरेक्शन खींची जाए तो मानी बात है ये एंगल देखिए, तो ये हर एक एंगल मैं कह सकता हूं न्यून कोण है, हर एक एंगल न्यून कोण है न्यून कोण, अच्छा हर एक एंगल न्यून कोण है। तो न्यून कोण जब भी कभी, न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल, तो जब भी कभी कोई भी हमारी स्लोप किसी प्रॉपर जो है लाइन से न्यून कोण या एक्यूट एंगल बनाती है, तो उस समय मैं ये कहता हूं कि जो डेवर यूवी अपॉन डेवर वाई होगा, क्योंकि मैं यहां पर क्या करता हूं कि ये जो आपकी लाइन है, पाइप की लाइन, इसको मैं अपनी एक प्रकार से इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूं और इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन को वाई एक्सिस मान लेता हूं, है ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये एंगल न्यून कोण है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि डेवर वी अपॉन डेवर वाई ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये वो कंडीशन होती है जिस कंडीशन पे कभी भी फ्लो सेपरेट नहीं होता। हालांकि ये कंडीशन आप सबको समझ में आ रही होगी, लेकिन जब एक बार सेपरेशन समझ लेंगे तब इस कंडीशन का रोल समझ जाएंगे, है ना। तो डेवर पी अपॉन डेवर एक्स लेस देन जीरो है, क्योंकि फ्लो एक्स डायरेक्शन है, तो फ्लो हमेशा बढ़ेगा, प्रेशर फ्लो अलोन घटेगा। लेटर डेवर पी अपॉन डेवर वाई हमारा ग्रेटर देन जीरो है, क्यों वाई के अलोन ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि जो स्लोप बन रही है वो सर न्यून कोण बना रही है, इसलिए वाई के अलोन जो है हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके साथ साथ मैं ये बात कन्वर्जेंट पोर्शन की थी, अब मैं बात जरा डाइवर्जेंट पोर्शन की एक बार और कर लेता हूं, तब इनकी बातें आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगी। चलिए फिर, अब मैं एक बात आपके सामने डाइवर्जेंट पोर्शन की कर लेता हूं। जैसे भी मान लीजिए मेरे पास
ये कोई डाइवर्जेंट पोर्शन है, अब ध्यान से सुनना, यही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कोई डाइवर्जेंट पोर्शन है, ये कोई डाइवर्जेंट पोर्शन, ठीक है। तो आप सबको पता है कि जैसे जैसे आप डाइवर्जेंट पोर्शन में आगे जाओगे, मतलब मान लीजिए फ्लो मेरा लेफ्ट से राइट की ओर हो रहा है, अब बहुत ध्यान सुनना इस बात को, फ्लो मेरा लेफ्ट से राइट की ओर हो रहा है, तो एक बात बताइए, डाइवर्जेंट पोर्शन में हमेशा जो एरिया होता है वो लगातार बढ़ता है, एरिया लगातार बढ़ेगा तो मैं कह सकता हूं कि वेलोसिटी लगातार घटेगी, अब वेलोसिटी लगातार घटेगी तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि प्रेशर लगातार बढ़ेगा, प्रेशर लगातार बढ़ेगा, ठीक है, प्रेशर लगातार बढ़ेगा, इसका मतलब यह है कि मैं यदि कोई एक मॉलिक्यूल्स दिखाऊं, लेकिन यहां ना दिखा के नीचे दिखा देता हूं, तो कोई भी एक मॉलिक्यूल्स दिखाऊं तो इस मॉलिक्यूल्स के पास लेफ्ट से भी प्रेशर काम करेगा, राइट से भी प्रेशर काम करेगा, लेकिन मैंने अभी बताया कि एरिया लगातार बढ़ रहा है, प्रेशर लगातार बढ़ेगा, तो लेफ्ट वाला प्रेशर यदि मैं P1 कह दूं, राइट वाला प्रेशर मैं P2 कह दूं, तो प्रेशर लगातार बढ़ रहा है, प्रेशर लगातार बढ़ रहा है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि प्रेशर लगातार बढ़ रहा है, तो लेफ्ट वाला प्रेशर P1, राइट वाला प्रेशर P2, तो बता सकते हैं कि इस P1 और P2 में से कौन ज्यादा होगा, कहोगे सर P2 इज ग्रेटर देन P1, बिल्कुल सही बात है, P2 इज ग्रेटर देन P1, यानी जैसे जैसे फ्लो आगे की ओर हो रहा है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे जैसे फ्लो आगे की ओर हो रहा है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ रहा है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर डेवर पी अपॉन जो डेवर एक्स होगा, चूंकि एक्स जैसे जैसे बढ़ा रहा है वो वैसे वैसे प्रेशर बढ़ रहा है, ये ग्रेटर देन जीरो है प्रेशर। अब एक बात बताइए, ये जो डेवर पी अपॉन डेवर एक्स ग्रेटर देन जीरो बताया, यानी ये वाला प्रेशर, देखिए भाई बहुत ध्यान सुनना, फ्लो जो हमारा हो रहा था वो लेफ्ट से राइट हो रहा था, यानी फ्लो की डायरेक्शन ये थी, लेकिन P2 का मान P1 के मान से ज्यादा है, तो एक बात बताइए, ये प्रेशर P2 इस फ्लो को, इस मॉलिक्यूल्स को फ्लो की दिशा में ही चलाना चाहेगा कि फ्लो की विपरीत दिशा में चलाना चाहेगा, थोड़ा फिर से सोचिएगा कि ये प्रेशर P2 इस मॉलिक्यूल्स को, जो क्या मोशन हमारा लेफ्ट से राइट की ओर था, ये P2 ज्यादा है, तो ये बताइए प्रेशर P2 इस मॉलिक्यूल्स को अलोंग द फ्लो चलाना चाहेगा कि विपरीत चलाना चाहेगा, तो कहोगे सर नहीं, ये फ्लो का साथ नहीं दे रहा, ये प्रेशर आपका P2 फ्लो का साथ नहीं दे रहा, पिछला वाला दे रहा था, ये प्रेशर P2 फ्लो का साथ नहीं दे रहा, क्योंकि P2 ज्यादा है तो ये फ्लो को और चलाना नहीं चाहेगा, फ्लो को रोक लेगा, ठीक है सही, फ्लो का विरोध करेगा, फ्लो का विरोध करेगा, फ्लो को कह सकते हो और ज्यादा रोकना चाहेगा, तो रोकना चाहेगा, तो मैं इस डायग्राम को यहां से हटाकर, क्योंकि इसमें अब कई सारी बातें अभी और आईडी इन्वॉल्व होगी, तो मैंने अभी अभी बताया कि ये प्रेशर ग्रेडियंट फ्लो का साथ नहीं दे रहा, फ्लो का विरोध कर रहा है, तो जो भी प्रेशर ग्रेडियंट फ्लो का विरोध करता है ऐसे प्रेशर ग्रेडियंट को बोलते हैं हम लोग एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट, ऐसे प्रेशर ग्रेडियंट को बोलते हैं हम लोग एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट, एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब ही होता है कि ऐसा प्रेशर ग्रेडियंट जो फ्लो का विरोध करे, उस प्रेशर ग्रेडियंट को एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। अब मैं कुछ बातें और बताता हूं सर, अगर मैं यहां पर तीन चार सेक्शन बना दिए मैंने, तो बता सकते हो कि किस सेक्शन पर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा यहां पर वेलोसिटी, ठीक है यहां पर वेलोसिटी सबसे ज्यादा, प्रोफाइल ऐसे मिली, ठीक है यहां वेलोसिटी थोड़ी सी कम, प्रोफाइल ऐसे मिली, थोड़ी और कम, तो प्रोफाइल हमारी ऐसे मिली, ठीक है ध्यान देते रहना, प्रोफाइल हमारी ऐसे मिली। अब होता क्या है, बहुत ध्यान सुनना, जो मॉलिक्यूल्स बाउंड्री पर है, जो मॉलिक्यूल्स बाउंड्री पर है, बहुत ध्यान सुनना, जो मॉलिक्यूल्स बाउंड्री पर है उस बाउंड्री पर बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई कर दीजिए, तो आप सबको पता है कि जो मॉलिक्यूल्स बाउंड्री पर होता है उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, क्यों जीरो होती है भाई, इसलिए जीरो होती है कि यदि नो स्लिप कंडीशन अप्लाई कर दी जाए तो बाउंड्री पर इतना सियर स्ट्रेस होता है कि वेलोसिटी जीरो होती है, ठीक है मैंने मान लिया कि वेलोसिटी जीरो नहीं है, यहां पर कुछ थी बाउंड्री पर, यहां पर भी कुछ थी, लेकिन आगे चल के वेलोसिटी धीरे धीरे जो बाउंड्री पर होगा उसकी कम होती जाएगी, श्योर है एकदम, तो इसका मतलब यह हुआ कि आगे बढ़ने पर वेलोसिटी घट रही है तो बाउंड्री वाले मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी और ज्यादा तेज घटेगी, और जब बाउंड्री वाले मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी और ज्यादा तेज घटेगी, और बाय द वे यदि कुछ ऐसा हो गया कि जो बाउंड्री वाला मॉलिक्यूल्स है, ये जो बाउंड्री वाला मॉलिक्यूल्स है आपका, ये बाउंड्री वाला मॉलिक्यूल्स अगर ये थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो गया, यानी उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, ध्यान सुनते हैं ना,
बाउंड्री के आसपास वाले मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बहुत कम हो रही या जीरो हो रही, तो हो रहा क्या कि वहां की वेलोसिटी यदि जीरो तो प्रोफाइल फिर ऐसे बनना शुरू हो जाएगी ऐसे। चेक कीजिए यहां तक प्रोफाइल सर ठीक है सही है, लेकिन जैसे ही थोड़ा और जारी जाएगा तो बाउंड्री वाले मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी और कम, प्रोफाइल और वैसे बनेगी। लेकिन इसके साथ साथ इस पी टू का प्रभाव भी तो आएगा। इस बात को पता है आप ऐसे समझिए, मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप जो है किसी जैसे कि आप बहुत सारी देवियों की चढ़ाई चढ़ा करते हैं, तो चढ़ाई चढ़ते समय कह सकते हो जो ढलान होती है वो आपको उल्टी दिशा में फेंकना चाहती है, लेकिन आप चढ़ते चले जा रहे हो इसलिए तो नहीं जा रहे। लेकिन जैसे ही आप कोई भी चीज वहां पर स्टॉप करोगे या अपने आप को रोकने का प्रयास करोगे तो वहां उल्टा डायरेक्शन जो प्रेशर हो रहा है वो आपको नीचे ढकेलना चाहेगा ना। बिल्कुल ठीक उसी तरह से बाउंड्री का मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बहुत कम होने की वजह से ये प्रेशर P2 इसको अपोजिट डायरेक्शन में फ्लोट आना चाहेगा ना। थोड़ा सोचिए इस बात को कि सर ये जो बाउंड्री के मॉलिक्यूल्स थे, ये बाउंड्री के जो मॉलिक्यूल्स थे, ये मॉलिक्यूल्स, तो इन मॉलिक्यूल्स पे आप कह सकते हो ऐसा कि इन मॉलिक्यूल्स पे सर जो हमारा वेलोसिटी है वो अप्रोक्स जीरो हो चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रेशर P2 है, ये प्रेशर P2 इस बाउंड्री के मॉलिक्यूल्स को पीछे हटाना चाहेगा ना। तो पीछे हटाना चाहेगा तो इसके बाद जो प्रोफाइल नजर आएगी आपको वो कुछ ऐसे नजर आएगी। ये देख लीजिए, इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो बीच वाले मॉलिक्यूल्स थे जिनकी वेलोसिटी ज्यादा थी वो तो सर आगे बढ़ गए, लेकिन जो बाउंड्री से चिपके हुए मॉलिक्यूल्स थे, जो बाउंड्री से चिपके हुए मॉलिक्यूल्स थे वो मॉलिक्यूल्स पीछे की ओर आना चाहेंगे। ये जो पीछे की ओर आने वाला फ्लो होता है ऐसे ही फ्लो को बोला जाता है बैक फ्लो। ध्यान रखना इस फ्लो को बोला जाता है बैक फ्लो। तो भैया मेरे जब भी कभी बैक फ्लो होगा तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये अपनी बाउंड्री को छोड़कर पीछे जा रहे हैं ना, ये अपनी बाउंड्री को छोड़कर पीछे जा रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंडीशन आपने बना के दिखाई बस इसी कंडीशन को बोलते हैं फ्लो सेपरेशन। ध्यान रखना इसी कंडीशन को बोलते हैं फ्लो सेपरेशन। फ्लो सेपरेशन यहां हुआ सर, यहां नहीं हुआ, यहां नहीं हुआ फ्लो सेपरेशन, लेकिन हां यहां वो पॉइंट था जहां पर फ्लो सेपरेशन जस्ट होने वाला था, ये वो पॉइंट था जहां पर फ्लो सेपरेशन जस्ट होने ही वाला था। तो मैं अगर ऐसा कहूं कि इस पॉइंट पे टेंजेंट खींच दीजिए, टेंजेंट खींच दीजिए या फिर वाई के सापेक्ष परिवर्तन देखिए, तो यहां मैं कह सकता हूं कि इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचू तो टेंजेंट एकदम वाई एक्सिस के अलोंग है, इसी वजह से इस पॉइंट पे डेवर यू डिवाइड बाय डेवर वाई शुड बी इक्वल टू जीरो, डेवर यू डिवाइड बाय डेवर वाई इक्वल टू जीरो। परंतु यहां मैं टेंजेंट खींचू, यहां टेंजेंट खींचू तो यहां जो खींचे बड़े टेंजेंट है वो देखिए इस लाइन के साथ, इस लाइन के साथ हमारा अधिकोण एंगल बना रही है और इस लाइन के साथ अधिकोण एंगल बना रही है। तो इसका मतलब ये हुआ मेरा, और वैसे भी आप मैं सीधी सी बात बताऊं जैसे कि इस पॉइंट पर आप खड़े हो तो वेलोसिटी और कम हो रही ना, यू कहिए कि पीछे की ओर बढ़ रही, पीछे की ओर बढ़ रही। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए स्पेशली इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए डेवर यू अपॉन डेवर वाई जो होगा वो तुम्हारा कह सकते हो लेस देन जीरो हो गया। छोटी देखिए जैसे जैसे आप वाई ऊपर बढ़ा रहे हो तो वेलोसिटी अब बढ़ नहीं रही है, वेलोसिटी उल्टी डायरेक्शन में घट रही है। थोड़ा सोचिए इस बात को, तो डेवर यू अपॉन डेवर वाई शुड बी इक्वल टू लेस देन जीरो। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि डेवर यू अपॉन डेवर वाई इक्वल टू जीरो का वह पॉइंट है जहां सेपरेशन की स्थिति बनी। और जाके सेपरेशन कब हुआ सर, सेपरेशन उस समय हुआ जब डेवर यू अपॉन डेवर वाई लेस देन जीरो हो गया, ये मेरे सेपरेशन हो गया। लेकिन सेपरेशन की कंडीशन पूछी जाए तो डेवर यू अपॉन डेवर वाई शुड बी इक्वल टू जीरो। चेक कीजिए, और ये सेपरेशन के होने के पीछे जो रीजन है वो मेरा ये है एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट। एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट दैट मींस फ्लो के अलोंग प्रेशर का बढ़ना ही फ्लो सेपरेशन का रीजन होता है। और फ्लो सेपरेशन उसी समय होगा जब डेवर यू अपॉन डेवर वाई जीरो हो चुका होगा, मतलब बाउंड्री पर जो मॉलिक्यूल्स थे उनकी वेलोसिटी जीरो हो चुकी होगी। अरे भैया तुम चढ़ाई में चढ़ते समय कहीं पर खड़े हो जाओ तो अपने ही या यू कहिए कि उल्टी डायरेक्शन में प्रेशर की वजह से ढलान में नीचे गिर जाओगे ना। अरे मैं कह रहा हूं कि किसी पहिए को आप किसी चढ़ाई में ऐसे खड़ा कर दीजिए तो वो उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कर जाएगा ना। उसी फ्लो को बोला जाता है बैक फ्लो और उसी को बोला जाता है सेपरेशन। ठीक है,
क्लियर कीजिए। तो मैंने बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स यहां पर आपको क्लियर किए हैं पहले, अभी मैंने सेपरेशन वगैरह के बारे में कोई बात ही नहीं बताई, मैंने बस आपको छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर किए हैं कि सेपरेशन कब हो सकता है। अच्छा, ये सेपरेशन कहां होता है? वेंचुरी मीटर पढ़ा है? वेंचुरी मीटर में जब हम लोग डाइवर्जेंट पोर्शन में जाते हैं तब सेपरेशन होता है। आपने पंप पढ़ा है? पंप में जब हम लोग, या करिए इंपेलर, अगर पंप का इंपेलर याद हो तो पंप के इंपेलर का एरिया लगातार बढ़ता है तो फ्लो की डायरेक्शन में आगे जाने पर प्रेशर बढ़ेगा, तो कंफर्म यहां भी सेपरेशन हो सकता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि सेपरेशन के लिए केवल एक ही कंडीशन है, केवल एक ही, कि अगर फ्लो की डायरेक्शन में प्रेशर का मान बढ़ रहा है, मतलब एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट है, तो वहां सेपरेशन की स्थिति बन सकती है। परंतु सेपरेशन उसी समय होगा जब बाउंड्री का मॉलिक्यूल्स स्टॉप हो चुका होगा, रुक गया होगा, उसी समय सेपरेशन होगा, क्योंकि जो आगे का प्रेशर जो कि ज्यादा है वो उसको बैक फ्लो करा देगा। दैट्स इट। तो मैंने बहुत सारी छोटी छोटी बातें बताई, अब मैं इन्हीं बातों को एक साथ जो है मर्ज करके आपको इस कॉन्सेप्ट में बताने जा रहा हूं। अब ध्यान देना, अब देखिए फ्लो सेपरेशन को और ज्यादा कायदे के साथ समझाने के लिए मैंने यहां पर कुछ डायग्राम्स लिए हैं। तो यहां जो डायग्राम्स लिए गए हैं उनमें मैं कुछ सेक्शन बना दूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। तो एक सेक्शन की लाइन मैं यहां से ड्रॉ कर देता हूं, एक सेक्शन की लाइन मैं यहां से ड्रॉ कर देता हूं, एक सेक्शन की लाइन मैं यहां से ड्रॉ कर देता हूं, और एक सेक्शन की लाइन मैं यहां से ड्रॉ कर देता हूं। अगर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए तो यहां से लेकर यहां तक पोर्शन है कन्वर्जेंट, यहां से लेकर यहां तक जो एरिया है वो कॉन्स्टेंट है, यहां से लेकर यहां तक हमारा कह सकते हो पोर्शन है डाइवर्जेंट। फ्लो मैं ऐसा मान लेता हूं कि सर फ्लो मेरा लेफ्ट से राइट की ओर हो रहा है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब अंडरस्टूड वाली बात है। फ्लो मेरा लेफ्ट से राइट हो रहा है, तो एक बात बताइए, जैसे जैसे एक्स एक्सिस में फ्लो होगा तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि चूंकि एरिया लगातार घट रहा है, ये सब बातें मैं बता चुका हूं, एरिया लगातार घट रहा है, वेलोसिटी बढ़ेगी, प्रेशर घटेगा, तो प्रेशर घटेगा तो इसका मतलब हो गया कि डेवर पी डिवाइड बाई डेवर एक्स लेस देन जीरो हो रहा है। यहां पर सर ये एरिया लगातार बढ़ रहा है, तो एरिया लगातार बढ़ेगा तो वेलोसिटी लगातार घटेगी, और वेलोसिटी लगातार घटेगी तो प्रेशर लगातार बढ़ेगा, इसका मतलब ये प्रेशर ग्रेडियंट ग्रेटर देन जीरो होगा। इस प्रेशर ग्रेडियंट को मैंने एक नाम दिया था अभी, बहुत खराब प्रेशर ग्रेडियंट है। आगे की ओर बढ़ने पर प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब फ्लो बैक फ्लो हो सकता है यहां पर, इसीलिए इस प्रेशर ग्रेडियंट को बोलते हम लोग एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट, एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट। इधर आइए सर, आगे की ओर बढ़ने पर प्रेशर घट रहा है, इसका मतलब फ्लो का साथ दे रहा है, तो इस प्रेशर ग्रेडियंट को बोलते हैं फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट। ये सब बातें मैं बता चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले, प्रेशर ग्रेडियंट शॉर्टकट में लिख रहे हैं, आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, आगे लिखा हुआ सर वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी, कोई बात। अच्छा ये बीच वाला पोर्शन सर, इसमें एरिया तो कांस्टेंट है, बीच वाले पोर्शन में एरिया कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां प्रेशर ग्रेडियंट जीरो होगा, यहां प्रेशर ग्रेडियंट जीरो होगा, काम खत्म है ना। सर सेपरेशन कहां से स्टार्ट होता है? सर सेपरेशन हमेशा तब होगा जब एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट होता है, मतलब प्रेशर आगे की ओर बढ़ने पर बढ़ेगा। तो मान लीजिए सर यहां से, या कुछ लाइनें या कुछ सेक्शन बना दूं मैं उसी तरह से, जैसे कि मैं यहां पर एक सेक्शन बनाऊं, यहां पर एक सेक्शन बनाऊं, ठीक है, तो यहां पर मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो फ्लो की डायरेक्शन होगी और वो आगे की ओर है, और मैं वेलोसिटी प्रोफाइल ड्रॉ करूं तो वेलोसिटी प्रोफाइल मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, वेलोसिटी प्रोफाइल मैंने ऐसे ड्रॉ की, इसका मतलब यह है कि साफ साफ पता चल रहा है कि जो बाउंड्री के आसपास का मॉलिक्यूल्स है वो हमारा रुका हुआ है, स्टॉप है, तो बाउंड्री के आसपास का मॉलिक्यूल स्टॉप है, तो इस पॉइंट पे मैं ऐसा कह सकता हूं कि कंफर्म डेवर यू अपॉन डेवर वाई शुड बी इक्वल टू जीरो। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यू का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष कर देते हैं, नहीं भैया, यू का डिफरेंशिएशन वाई के सापेक्ष है, पी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो ये कौन सी कंडीशन है? बस सर यही वो कंडीशन है जहां से आपका बाउंड्री वाला मॉलिक्यूल उल्टा फ्लो होने के लिए तैयार है, बैक फ्लो होने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं इसको थोड़ा और आगे प्रोफाइल ड्रॉ करूं, थोड़ी और आगे प्रोफाइल ड्रॉ करूं तो बैक फ्लो हो जाएगा ना, बैक फ्लो हो जाएगा ना, तो बैक फ्लो तो मैंने दिखा दिया,
बैक फ्लो को दिखा दिया। तो ये वो कंडीशन है जहां पर बैक फ्लो होता है। और बैक फ्लो के लिए मैंने अभी बताया जो डेवर यू अपॉन डेवर वाई होता है, ये लाइन की स्लोप, इस लाइन की जो स्लोप हो रही वाई एक्सिस के अबाउट, वो आप कह सकते हो कि लेस देन जीरो होगी, है ना। तो वाई के अबाउट जो स्लोप होगी वो हमारी लेस देन जीरो हो रही, ये ध्यान रखना इस बात, ठीक है। बैक फ्लो हो गया सर, बैक फ्लो हो गया, सीधी बात है। लेकिन ये बैक फ्लो केवल इसी पोर्शन में हो रहा, ये ध्यान रखना है। तो ये बैक फ्लो की कंडीशन है, मैं लिख भी देता हूं कि सर यहां बैक फ्लो हो गया, या फिर आप इसको फ्लो सेपरेशन भी कह सकते हैं, बैक फ्लो या फिर फ्लो सेपरेशन। तो फ्लो सेपरेशन की स्टार्टिंग कहां से होती है, या सफिशियंट कंडीशन फॉर फ्लो सेपरेशन पूछा जाए, तो सफिशियंट कंडीशन वो यही है कि बस केवल ये नहीं है सफिशियंट कंडीशन, ये है सफिशियंट कंडीशन, है ना। और इसके साथ साथ अगर ये दिया गया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया गया तो इससे भी हम लोग काम चला सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को मैं अभी आपको पूरा एक्सप्लेन कर सकता हूं, हाँ किया भी है। और इसके बाद मैं अगर आगे कहूं कि अगर आप आगे का कोई और सेक्शन बनाओगे तो जो बैक फ्लो की कंडीशन थी या बैक फ्लो का जो अमाउंट था वो बढ़ जाएगा, बैक फ्लो का अमाउंट थोड़ा और बढ़ जाएगा, बैक फ्लो का अमाउंट मैंने देखे थोड़ा और बढ़ा दिया, बैक फ्लो का अमाउंट थोड़ा और बढ़ा दिया, थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो बैक फ्लो का अमाउंट और ज्यादा बढ़ जाएगा ना, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, याद करिए, मैं आपको पहले बता चुका था कि जब आप लोग वेंचुरी मीटर पढ़ते हैं तो वेंचुरी मीटर में कन्वर्जेंट पोर्शन की लंबाई कम रखी जाती है और डाइवर्जेंट पोर्शन की लंबाई ज्यादा रखी जाती है, याद है ना। क्यों? अगर मैंने डाइवर्जेंट पोर्शन की लंबाई ज्यादा ना रख के कम रखी होती, यानी डाइवर्जेंट पोर्शन की लंबाई कम रखने का मतलब मैं प्रेशर को अचानक से बढ़ा दिया, अचानक से बहुत तेज कर दिया, तो मानी बात है जब प्रेशर अचानक से बहुत तेज बढ़ जाएगा तो एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा होगा, और एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा होगा तो सेपरेशन के चांस भी ज्यादा हो जाते हैं। इसी वजह से जब भी कभी मैं कोई इंक्रीजिंग एरिया का सेक्शन बनाता हूं ना, इंक्रीजिंग एरिया का सेक्शन बनाता हूं तो वहां अचानक से एरिया को इंक्रीज नहीं करता हूं, नहीं, अगर अचानक एरिया को इंक्रीज कर दिया जाए तो वहां बैक फ्लो की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि भैया प्रेशर ग्रेडियंट ये ज्यादा हो जाएगा ना उस समय आपका ना। तो इस बात को मैं अब लिखने जा रहा हूं जो मैंने आपको अभी अभी बात समझाई, इससे पहले भी मैंने यही बात समझाई थी लेकिन चीजें क्लियर हो जाए इसलिए दो दो बार समझाई है। तो मैं इस बात को लिख दूं, चलिए तीन कंडीशन है मेरे पास, तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन को मैं लिख रहा हूं। सबसे पहली कंडीशन थी कि जब फ्लो हमारा कन्वर्जेंट पोर्शन में हो रहा था, तो कन्वर्जेंट पोर्शन में फ्लो हो रहा था तो डेवर पी अपॉन डेवर एक्स लेस देन जीरो था, लेकिन डेवर यू अपॉन डेवर वाई ग्रेटर देन जीरो था, डेवर यू अपॉन डेवर वाई ग्रेटर देन जीरो था ना। अच्छा, डेवर पी अपॉन डेवर एक्स लेस देन जीरो, डेवर यू अपॉन डेवर वाई, इसमें आपका प्रेशर ग्रेडियंट एडवर्स नहीं है तो फ्लो विल नॉट सेपरेट, फ्लो विल नॉट सेपरेट, फ्लो विल नॉट सेपरेट, है ना। कई बार इसको हम लोग अटैच्ड फ्लो भी कहते हैं, अटैच्ड फ्लो मतलब जुड़ा हुआ फ्लो, अटैच्ड फ्लो भी कहते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। चलिए अगली कंडीशन में, ये अगली कंडीशन है कि डेवर यू डिवाइड बाय डेवर वाई शुड बी इक्वल टू जीरो, यहां पी का कोई रोल नहीं है, ये समझे रहे ना, डेवर यू अपॉन डेवर वाई शुड बी इक्वल टू जीरो। चलिए अगर पी को लिखना चाहे तो यहां पर लिखा जाएगा डेवर पी अपॉन डेवर एक्स ग्रेटर देन जीरो, अगर कंडीशन बनाना भी चाहे तो यही कंडीशन बनेगी। तो ये कहलाएगा, ये कंडीशन बोला जाएगा वर्ज ऑफ सेपरेशन, वर्ज ऑफ सेपरेशन मतलब जस्ट सेपरेट करने की स्थिति पर है, वर्ज ऑफ सेपरेशन, या फिर कई बार इसको हम लोग जस्ट सेपरेट भी लिख देते हैं, जस्ट सेपरेट कंडीशन, सॉरी जस्ट सेपरेट कंडीशन, जस्ट सेपरेट कंडीशन। और तीसरी कंडीशन क्या है सर, तीसरी कंडीशन ये है कि जब डेवर यू अपॉन डेवर वाई ग्रेटर देन जीरो हो जाए, सॉरी ग्रेटर देन नहीं, लेस देन जीरो हो जाए, और डेवर पी अपॉन डेवर एक्स ये तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो ही रहे, भाई ग्रेटर देन जीरो रहेगा तभी तो एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट होगा, लेकिन वो लेस देन जीरो हो जाए तो इसका मतलब होता है कि फ्लो विल सेपरेट, फ्लो विल सेपरेट, कि फ्लो अब सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट,
सेपरेट, ठीक है, फ्लो विल सेपरेट। अच्छा फ्लो विल सेपरेट या फ्लो अब सेपरेशन हो जाएगा, तो ऐसे फ्लो को कई बार हम लोग डिटैच्ड फ्लो भी कहते हैं, डिटैच्ड फ्लो। डिटैच्ड पहले था अटैच्ड, अटैच मतलब जुड़ा हुआ फ्लो, डिटैच्ड फ्लो यानी फ्लो मेरा हट गया, अलग हो गया, डिटैच्ड फ्लो। अच्छा डिटैच्ड फ्लो के साथ साथ इसको फ्लो विल सेपरेट, डिटैच्ड फ्लो, या फिर आप इसको बैक फ्लो कंडीशन भी बोल सकते हो, बैक फ्लो हो जाएगा, है ना, बैक फ्लो। लेकिन हाँ अगर कंडीशन की बात करें कि किस स्थिति पे हुआ, तो स्थिति तुम्हारी यही है, यानी इस स्थिति पर जस्ट स्टार्टिंग हुई, जस्ट स्टार्टिंग हुई, और इसे थोड़ा सा भी आगे आप बढ़ोगे इस फ्लो की डायरेक्शन में, तो दिस कंडीशन याली कंडीशन मिल जाएगी और उस कंडीशन में फ्लो तुम्हारा सेपरेशन हो जाएगा। बोलिए भाई, बात सबको समझ में आ रही ना? तो यहां से मेरा जो है बाउंड्री लेयर का जो सेपरेशन था वो भी क्लियर हो जाता है, हालांकि बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। अब बाउंड्री लेयर थ्योरी में 82 चीजें बची हुई हैं, मुझे थोड़ा सा ड्रैग फोर्स और लिफ्ट फोर्स के बारे में और जानकारी आपको देनी है, ड्रैग फोर्स और लिफ्ट फोर्स के बारे में, उसके साथ साथ एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करा दूंगा, तो यहां से बाउंड्री लेयर थ्योरी आपकी खत्म हो जाएगी। फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव के बाद फिर हम लोग जो लास्ट चैप्टर है वो मशीन में आ जाएंगे। तो देखिए आप लोगों को जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे उसमें बाउंड्री लेयर थ्योरी खत्म हो चुका था, है ना, तो मेरी बाउंड्री लेयर थ्योरी का कॉन्सेप्ट फिनिश हो चुका था, तो मैं बाउंड्री लेयर थ्योरी के ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ कि बाउंड्री लेयर थ्योरी में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव, कौन कौन से हमारे एमसीक्यू बन सकते हैं, उन पर देखते हैं। तो चलिए फिर पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि पहला ऑब्जेक्टिव बाउंड्री लेयर थ्योरी पे क्या बनना है और कैसे सॉल्व हो रहा है, क्या उसका आंसर हो रहा, देखते हैं। तो मेरा जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो केवल सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि आपको लिस्ट वन और लिस्ट टेन से मैचिंग करानी है ना। अगर आप थोड़ा फॉर्मूले पे देखिए तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस, एनर्जी थिकनेस, मतलब तीन थिकनेस जो आपके नॉर्मली फॉर्मूले याद होते ही हैं वो तीन थिकनेस के फॉर्मूले पूछे जा रहे हैं, तो मैं बड़े आराम से मैचिंग करा सकता हूँ ना। तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या होती है सर? जीरो से डेल्टा लिमिट होनी चाहिए 1 - u/u∞, ये मेरी होती है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का फॉर्मूला। अगर आपने पूरा लेक्चर देखा है, कंप्लीट किया है अपने वीडियो को, तो आपको जरूर पता होगा। मोमेंटम थिकनेस क्या होती है सर? डिस्प्लेसमेंट थिकनेस के बाहर u/u∞ और लगा दीजिए, ये मेरा मोमेंटम थिकनेस फॉर्मूला है, तो टेट टर्म्स का आंसर ये हो जाएगा। एनर्जी थिकनेस सर, एनर्जी थिकनेस ये जो अंदर u/u∞ है उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये फॉर्मूला मेरे एनर्जी थिकनेस का हो गया। और बाउंड्री लेयर, सबको बात पता है कि बाउंड्री लेयर वो डिस्टेंस होती है या वो लेयर होती है जिस पर मिलने वाली वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के 99% के बराबर हो जाती है, इसी वजह से इसका टेट आंसर जो हो जाएगा भाई पहले वाले का ए का पहला हो गया। अगर ए का पहला हो गया तो मैचिंग तो पूरी तरह से है, तो जो टेट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1, 2, 3, 4। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ए बाउंड्री लेयर अटर ओवर अ फ्लैट प्लेट, ओवर अ फ्लैट प्लेट एट जीरो इंसिडेंट। अच्छा जीरो इंसिडेंट का मतलब होता है कि आपका जो भी फ्लो है वो पैरेलल टू प्लेट है, ये मतलब होता है आपका। ये जो वर्ड लिखा है ना जीरो इंसिडेंट, इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपका फ्लो होगा वो पैरेलल टू प्लेट्स होगा ऑफ द फ्लो। द थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर एट ए सेक्शन 2 meters फ्रॉम द लीडिंग एज। कहा जा रहा है कि जब 2 meters की डिस्टेंस पे आप जाओगे तो जो बाउंड्री लेयर की थिकनेस मिलेगी वो 2 mm मिलेगी। फिर बोला जा रहा है द थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर एट अ सेक्शन 4 meters पर बताना है कितनी। बहुत सीधा सा सवाल है और फ्लो जो आपका दिया गया है वो कौन सा फ्लो है ये भी चेक कर लेते हैं। कहीं पर फ्लो का नाम दिया गया है लेमिनार बाउंड्री लेयर, देख लीजिए, है ना। अब सवाल क्या था? सवाल ये था कि जब मैं 2 meters की डिस्टेंस पे जाता हूँ, जब मेरा एक्स 2 meters होता है, तो बाउंड्री लेयर की जो थिकनेस थी वो मुझे मिलती है 2 mm, है ना। और फिर कहा जा रहा है कि यदि मेरा एक्स 2 to 4 meters हो जाए तब मुझे बाउंड्री लेयर की थिकनेस कितनी मिलनी चाहिए, ये है सवाल। और ये पूरी कंडीशन लेमिनार फ्लो के लिए है, तो मैं लेमिनार फ्लो के लिए थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर का एक बार फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ। तो याद करिए लेमिनार फ्लो के लिए थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर का फॉर्मूला आया था 5x/, और नीचे था हमारा कह सकते हो अंडर रूट रेनॉल्ड्स नंबर। तो ये फॉर्मूला थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर का था, परंतु कौन सी थिकनेस थी तो मैं आपको बता चुका हूं कि सर ये मेरी लेमिनार फ्लो के लिए थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर का फॉर्मूला है। आगे बात सुनिए सर, साफ साफ पता चल रहा है कि जो डेल्टा है वो एक्स के समानुपाती है, लेकिन नीचे रेनॉल्ड नंबर भी तो लिखा है, और याद करिए रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला होता था ρ v x / μ।
तो इसका मतलब ये हुआ कि रेनॉल्ड नंबर में रो वी एक्स आ ही जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर एक्स नीचे अंडर रूट एक्स, तो ऊपर एक्स नीचे रूट एक्स, तो यहां से एक बात कंफर्म हो जाती है कि जो थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर होगी वो मेरी अंडर रूट एक्स के समानुपाती होगी। थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर अंडर रूट एक्स के समानुपाती होगी किसके लिए? लेमिनार फ्लो के लिए। किसके लिए? लेमिनार। हालांकि ये पॉइंट को मैं पहले डिस्कस भी कर चुका हूं। सवाल को आप सॉल्व कर लेते। सवाल ये लिखा हुआ था कि सर 2 मीटर पे आपकी डेल्टा मिल रहा था 2 mm, तो 4 मीटर पे कितना मिलेगा? तो आपने एक प्रकार से कह सकते हो कि तेरी बहुत सीधी सी बात है, यहां पर आपने इस एक्स को 2 से 4 कर दिया, मतलब दुगना कर दिया। 2 से 4 किया मतलब दुगना किया, तो दुगना किया तो जो थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर है, अब ये दुगना हुआ है ना, तो एक्स यदि 2 का 4 हुआ यानी दुगना हुआ तो अंडर रूट 2 हो जाएगा एक्स के स्थान पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर अब जो आ जाएगी वो 2√2 mm आ जाएगी, 2√2 mm आ जाएगी। तो देख लीजिए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 × 2^1/2। 2^1/2 डेट मीन्स रूट 2 है ना। आप लोग चाहो तो फॉर्मूले को इस्तेमाल भी करके लगा सकते हो इस चीज को, कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है। आपको बस लिखना है डेल्टा 2/(Δ1) इक्वल टू अंडर रूट x2/(X1) है ना। डेल्टा 1 की जगह रख देना 2 mm, एक्स 2 की जगह रख देना 4, एक्स 1 की जगह रख देना 2, वही सेम आंसर आ जाएगा ना। चलिए फिर, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि इन द रीजन ऑफ बाउंड्री लेयर नियरेस्ट टू द वॉल वेयर द वेयर वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0, द विस्कस फोर्स आर। ऑप्शन लिखा हुआ है मोर देन इनर्शिया फोर्स, लेस देन इनर्शिया, और नेग्लिजिबल। बहुत सीधी सी बात है कि सवाल मेरा बाउंड्री लेयर थ्योरी का है, तो मैं एक बार आपको बाउंड्री लेयर बना के भी दिखा देता हूं। जैसे कि आपको पता है कि ये मान लीजिए कोई प्लेट है, और इस प्लेट में जब मैं बाउंड्री लेयर को फॉर्म करूंगा तो बाउंड्री लेयर कुछ ऐसे फॉर्म हो जाएगी, है ना। तो उन्होंने क्या बोला है, इन द रीजन ऑफ द बाउंड्री लेयर नियरेस्ट द वॉल, तो वॉल के नियरेस्ट मुझे रीजन लेना है। तो वॉल के नियरेस्ट मैं मान लीजिए कोई ये पॉइंट ले लेता हूं, ये पॉइंट वो पॉइंट होना चाहिए वेयर वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0। आप देख पा रहे हैं कि ये पॉइंट पे वेलोसिटी 0 नहीं होगी, वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, परंतु वो वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी से कम होगी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट लिया गया है ये नियरेस्ट द वॉल है, नियरेस्ट द वॉल है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ये पॉइंट नियरेस्ट द वॉल है। आगे क्या लिखा हुआ है आपका, इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए मैंने थोड़ा ऊपर लिया द विस्कस फोर्स। तो बताना है कि इस पर विस्कस इफेक्ट ज्यादा रहेगा कि इनर्शिया इफेक्ट ज्यादा रहेगा। तो सीधी सी बात ये है कि अगर सर ये पॉइंट दीवार के बहुत नजदीक है तो इस वेलोसिटी का जो मान हो रहा है वो बहुत कम हो रहा, वेलोसिटी का मान बहुत कम हो रहा है। साथ साथ आप ये कह सकते हैं कि दीवार के नजदीक है तो इसका मतलब विस्कस फोर्स या विस्कस प्रभाव ज्यादा हो रहा, थोड़ा सोचिए विस्कस प्रभाव ज्यादा हो रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे पॉइंट तुम्हारा दीवार के नजदीक आता जाता है तो विस्कस जो प्रभाव है वो ज्यादा होता है। इसी वजह से मैं कह सकता हूं कि ये पॉइंट आपका वॉल के नजदीक है, वेलोसिटी लो है, तो जो विस्कस इफेक्ट है वो ज्यादा है। तो इसी वजह से करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्कस फोर्स आर मोर देन इनर्शिया फोर्स, विस्कस फोर्स आर मोर देन इनर्शिया फोर्स, यानी पॉइंट ये जो लिखा है इस पॉइंट पे विस्कस फोर्स ज्यादा होगा। हाँ, आप दूर जाते जाइए तो विस्कस फोर्स कम होता जाता है। मैं आपको बता दूं बाउंड्री लेयर पे ऑलमोस्ट विस्कस फोर्स 0 हो चुका होता है, बाउंड्री लेयर के बाहर भी विस्कस फोर्स 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बाउंड्री लेयर पे du/dy का जो मान होता है वो अप्रोक्स जो है कह सकते हो कि 0। वेलोसिटी ग्रेडियंट हमेशा जब भी कभी मिलता है वो अंदर ही मिलता है, अंदर ही वेलोसिटी ग्रेडियंट मिलता है, बाहर वेलोसिटी ग्रेडियंट तुम्हारा 0 होता है। तो बाहर वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 तो शियर स्ट्रेस 0, और शियर स्ट्रेस 0 तो विस्कस फोर्स 0। ये चीज बाउंड्री लेयर पे भी होती है, लेकिन बाउंड्री लेयर कह सकते हो कि एक एक्सट्रीम कंडीशन होती है। कहने का मतलब ये है कि यहां से के बाद विस्कस फोर्स 0 हो जाएगा, या यहां पर भी 0 आप कह सकते हो, ठीक है, एक लिमिटिंग कंडीशन होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सर विस्कस फोर्स इज मोर देन इनर्शिया फोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते क्या, देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है। अगला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर मस्ट अटर, सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर मस्ट अटर। तो मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी कभी बात मुझे सेपरेशन की पूछी जाएगी कि तब तब बाउंड्री लेयर का सेपरेशन होता है,
सेपरेशन, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सेपरेशन के लिए हमेशा डेवर पी अपॉन डेवर एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, है ना, ये सेपरेशन कंडीशन है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता, लेकिन सी और डी दोनों हो सकते हैं, क्योंकि सी और डी दोनों में ही डेवर पी अपॉन डेवर एक्स लेस ग्रेटर देन जीरो लिखा है। अच्छा, याद करिए, जो डेवर पी अपॉन डेवर एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है, इस प्रेशर ग्रेडियंट को बोलते हैं हम लोग एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट या एडवर्स प्रेशर, ठीक है। तो मैं आपको ये सब बातें पहले बता चुका हूं, अब आगे सुनिए। सी और डी ऑप्शन में डिफरेंस क्या है कि सी तो सर डेवर पी अपॉन डेवर एक्स ग्रेटर देन जीरो है, जबकि डी ऑप्शन है डेवर पी अपॉन डेवर एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड द वेलोसिटी प्रोफाइल हैज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वेलोसिटी प्रोफाइल हैज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सर इन्होंने बोला हुआ है मस्ट अकर यानी हमेशा होगा, तो हमेशा होने की कंडीशन तो फिर हमारी सी पॉइंट हो जाएगा ना। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारा अकर कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, दोनों चीजें हो सकती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर याद हो आप लोगों को, जब मैंने आपको बैड फ्लो की कंडीशन बनाई थी, तो बैड फ्लो की कंडीशन बनाते समय आपका फ्लो ऐसे भी हो सकता है, सॉरी एट मिनट, हाँ, तो जो फ्लो है आपका, वो फ्लो आपका मैंने पहले ऐसे दिखाया होगा और फिर अगले वाले फ्लो में ऐसे बताया होगा, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि आपका जो है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इन्फ्लेक्शन वो हमारा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों में से कोई भी कंडीशन, लेकिन दोनों कंडीशन हमारी सेपरेशन में मानी जाएगी। तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर डी मेरा गलत हो जाएगा, जबकि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, एट द पॉइंट ऑफ बाउंड्री लेयर सेपरेशन, कहा जा रहा है कि बाउंड्री लेयर जो सेपरेशन का पॉइंट होता है, बाउंड्री लेयर सेपरेशन का जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट पे बताइए कि इनमें से कौन सी कंडीशन सही हो सकती है। तो आपको पता होना चाहिए एट द पॉइंट ऑफ बाउंड्री लेयर सेपरेशन, तो बाउंड्री लेयर का सेपरेशन उसी समय होता है जब डेवर यू अपॉन डेवर आई शुड बी इक्वल टू जीरो हो, और साथ साथ आपका पी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ग्रेटर देन जीरो हो। अगर ये दो कंडीशन होल्ड करती है तो मेरा कह सकते हो कि बाउंड्री लेयर सेपरेशन की कंडीशन बनेगी। तो मैं कह सकता हूं कि बाउंड्री लेयर सेपरेशन में डेवर यू अपॉन डेवर वाई जीरो होता है, तो डेवर यू अपॉन डेवर वाई जीरो होने की वजह से ही बाउंड्री लेयर सेपरेशन में जो डेवलप होने वाला सियर स्ट्रेस होगा सर वो जीरो होगा, डेवलप होने वाला जो सियर स्ट्रेस होगा वो जीरो होगा। तो इसका जो टेट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि डेवलप होने वाला सियर स्ट्रेस मेरा जीरो होगा, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना पड़ेगा बाउंड्री लेयर सेपरेशन के लिए डेवर यू अपॉन डेवर वाई जीरो होना चाहिए, इसीलिए सियर स्ट्रेस भी मेरा जीरो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और इन्होंने लिखा हुआ था एट द पॉइंट ऑफ बाउंड्री लेयर सेपरेशन, मतलब एट द पॉइंट ऑफ बाउंड्री लेयर सेपरेशन मतलब होता है वह पॉइंट जहां से बाउंड्री लेयर सेपरेशन स्टार्ट होती है, वह पॉइंट जहां पर बाउंड्री लेयर सेपरेशन स्टार्ट होती है, इसीलिए मैंने ये कंडीशन लिया पॉइंट ऑफ सेपरेशन या वर्ज ऑफ सेपरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन टर्बुलेंट फ्लो या टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर थिकनेस वेरीज एज, यानी एक्स पर कैसे डिपेंड करती है मुझे ये बताना है। तो उसके लिए मुझे टर्बुलेंट फ्लो के लिए बाउंड्री लेयर थिकनेस का फॉर्मूला देखना पड़ेगा। टर्बुलेंट फ्लो के लिए जो बाउंड्री लेयर थिकनेस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो बताया था 0.377x डिवाइड बाई नीचे था रिनॉल्ड नंबर आर ई एक्स की पावर 1/5। ये मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूं, ठीक है। अब एक बात बताइए, जो डेल्टा मुझे बताना है कि एक्स पर किस प्रकार डिपेंड कर रहा है, यही तो मुझे बताना है। तो एक बात बताइए, ये जो अंडर रूट रेनॉल्ड नंबर लिखा है इसमें भी तो एक्स आएगा, तो टोटल फॉर्मूला होता है रो वी एक्स, तो एक्स नीचे आएगा, तो एक्स की पावर 1/5, लेकिन ऊपर है एक्स, नीचे है एक्स की पावर 1/5, तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो एक्स ऊपर 1/5 नीचे, तो बचेगा कैंसल आउट होने पर एक्स की पावर 4/5। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर की थिकनेस होती है वो एक्स पर 4/5 पावर से डिपेंड करती है, एक्स पर 4/5 पावर से डिपेंड करती है। तो जो टेट आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि सर एक्स पर 4/5। हाँ, अगर ये लेमिनार बाउंड्री लेयर होती तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं वो अंडर रूट एक्स के समानुपाती होती है, लेकिन अगर टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर है तो एक्स की पावर 4/5 के समानुपाती होती है। क्लियर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर आपका ओवर अ फ्लैट प्लेट फॉर ए मॉडरेटली हाई रेनॉल्ड्स नंबर, मतलब हाई रेनॉल्ड्स नंबर इन्होंने बोल दिया, देख लीजिए
हाई रेनॉल्ड्स नंबर। तो एक बात बताइए, जब भी कभी रेनॉल्ड्स नंबर हाई होती है, मॉडरेट से हाई होती है, तो ऐसे फ्लो को हम लोग कौन सा फ्लो बोलते हैं? तो ऐसे फ्लो को बोला जाता है टर्बुलेंट फ्लो। मतलब जो बात हो रही है वो एक्चुअली में टर्बुलेंट फ्लो की हो रही है। किस फ्लो की हो रही है? टर्बुलेंट फ्लो की हो रही है। तो मेरे भाई, अगर बात टर्बुलेंट फ्लो की हो रही है तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि टर्बुलेंट फ्लो के लिए इन्होंने बोला है कि डेल्टा किस प्रकार से वेरी करेगा। अब एक बात बताइए, मैं अभी भी बता चुका हूं टर्बुलेंट फ्लो के लिए जो डेल्टा होता है वो एक्स की पावर 4/5 के समानुपाती होता है। एक्स की पावर 4/5 के, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्स की पावर 4/5 के समानुपाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, गिवन दैट डेल्टा इज द बाउंड्री लेयर थिकनेस, डेल्टा स्टार डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, अच्छा डेल्टा ई एनर्जी थिकनेस, और थीटा होता है मोमेंटम थिकनेस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने बोला है बताइए शेप फैक्टर क्या होता है, शेप फैक्टर ऑफ बाउंड्री लेयर। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो बाउंड्री लेयर का शेप फैक्टर एच होता है उसका फॉर्मूला होता है डेल स्टार, डेल स्टार का मतलब डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, और नीचे होती है मोमेंटम थिकनेस, और मोमेंटम थिकनेस होती है मेरी थीटा। ठीक है, तो डेल स्टार मतलब डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, नीचे मोमेंटम थिकनेस, इन दोनों के रेशियो को ही हम लोग बोलते हैं शेप फैक्टर। इन दोनों के रेशियो को ही बोला जाता है शेप फैक्टर। तो ढूंढ लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो डेल स्टार बटे थीटा इज कॉल्ड शेप फैक्टर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेल स्टार डिवाइड बाई थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इफ यू इनफाइनाइट इज फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। सबको पता है, कोई नई बात नहीं। स्मॉल यू क्या है? वेलोसिटी एट अ डिस्टेंस वाई एंड डेल्टा है बाउंड्री लेयर थिकनेस, देन इन ए बाउंड्री लेयर फ्लो द मोमेंटम थिकनेस थीटा बताइए। तो सबको बात पता है मोमेंटम थिकनेस का फॉर्मूला क्या होता है, काफी इजी क्वेश्चन है। तो मोमेंटम थिकनेस का फॉर्मूला होता है जीरो से डेल्टा लिमिट लगी होनी चाहिए, अंदर होना चाहिए 1 - u/∞, साथ साथ क्योंकि मोमेंटम थिकनेस है साथ साथ बाहर u/∞ होना चाहिए, केवल इतना। तो ऐसा ऑप्शन मुझे केवल एक ही मिला है, ऑप्शन नंबर ए, थीटा इक्वल टू जीरो से डेल्टा u डिवाइड बाई u∞ माइनस यू डिवाइड 1 - u/∞ है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो सिंपली मोमेंटम थिकनेस का फॉर्मूला है पूछा जा रहा था, काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, अगला क्वेश्चन है, फ्लो सेपरेशन इज कॉल्ड, कहा जा रहा है कि सेपरेशन किसकी वजह से होता है। तो सेपरेशन मैंने बताया था कि सेपरेशन या बैड फ्लो उसी समय हो सकता है जब फ्लो की डायरेक्शन में प्रेशर का मान बढ़े, फ्लो की डायरेक्शन में प्रेशर का मान बढ़े, दैट मींस जो आपका प्रेशर ग्रेडियंट है आपका वो पॉजिटिव हो। तो प्रेशर ग्रेडियंट यदि पॉजिटिव है तो मेरा फ्लो सेपरेशन की कंडीशन बनाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है रिडक्शन ऑफ प्रेशर टू लोकल, नहीं नेगेटिव प्रेशर, नहीं पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट। देखिए प्रेशर ग्रेडियंट ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी, जब भी कभी फ्लो की डायरेक्शन में आपका प्रेशर बढ़ेगा उस समय सेपरेशन की पॉसिबिलिटी बनती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, इन ए बाउंड्री लेयर, इन ए बाउंड्री लेयर डेवलप्स along the flow, the pressure decrease in the downstream direction। इन्होंने बोला है कि जो प्रेशर है वो downstream direction में घट रहा है, तब boundary layer thickness बताइए क्या हो रही, tends to decrease, remains constant, increase gradually, increase rapidly, है ना। तो इनकी बात क्या है, इनकी बात यह है कि जो आपका प्रेशर है वो घट रहा है, decrease in the downward direction, मतलब downward direction में प्रेशर घट रहा है। तो सुनना बड़े ध्यान से, जैसे कि मैं आपको यहां पर एक प्लेट बना के दिखाऊं, है ना, और ऐसा कह दूं कि जो फ्लो हो रहा है वो मेरा लेफ्ट से राइट की ओर हो रहा है, फ्लो मेरा लेफ्ट से राइट की ओर हो रहा है। बहुत ध्यान से सुनते हैं ना जो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने यहां पर दो पॉइंट सिलेक्ट किए, एक पॉइंट को मैंने 1 नंबर दिया, दूसरे पॉइंट को 2 नंबर दिया। ठीक है, तो एक बात बताइए आगे बढ़ने पर प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है, आगे बढ़ने पर प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कन्फर्म वेलोसिटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन, प्रेशर घट रहा है तो आगे बढ़ने पर वेलोसिटी बढ़ेगी। क्या मतलब है सर इसका? इसका मतलब यह है कि पॉइंट टू पर जो वेलोसिटी होगी वी टू और पॉइंट वन पर जो वेलोसिटी होगी वी वन, तो बहुत ध्यान सुनना, तो प्रेशर घटा वेलोसिटी बढ़ी, टोटल इन्होंने घटाया प्रेशर है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब पॉइंट टू की वेलोसिटी वी टू वी वन से ज्यादा होगी, वी टू वी वन से ज्यादा होगी।
ये ज्यादा केवल प्रेशर इफेक्ट की वजह से आया है, है ना। तो एक बात बताइए, अगर पॉइंट टू पर वेलोसिटी वी टू ज्यादा है तो इसका मतलब ये आपका पॉइंट बहुत जल्द ही फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। थोड़ा सा ऊंचाई में जाने पर, बहुत जल्द ही थोड़ा सा ऊंचाई में जाने पर ही वो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये जो पॉइंट वन है, पॉइंट वन, तो पॉइंट वन की वेलोसिटी देखिए टर्म है, पॉइंट वन की टर्म है, तो पॉइंट वन की टर्म है, तो पॉइंट वन को ज्यादा ऊंचाई तक जाना पड़ेगा फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर। ये वेलोसिटी टर्म है इसलिए इसको ज्यादा ये टर्म, तो बाउंड्री लेयर थिकनेस जो हो जाएगी वो मेरी घट जाएगी। तो आप ध्यान रखना, बाउंड्री लेयर थिकनेस जो है इस वाले केस में घटेगी, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिक्रीज, टेंड टू डिक्रीज। अच्छा, ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि अलोंग द डायरेक्शन प्रेशर घट रहा था। होता क्या है कि जब मैं बाउंड्री लेयर थिकनेस बनाता हूं कुछ इस तरह से, अगर याद करिए, ये जब थिकनेस बनाता हूं तो उस समय मैं एक छोटा सा एजम्पशन मान के चलता हूं। एजम्पशन ये होता है कि उस समय मैं फ्लो की डायरेक्शन में प्रेशर को कांस्टेंट मान लेता हूं, अर्थात डेवर पी अपॉन डेवर एक्स को जीरो मान लेता हूं। ठीक है, तो जो मैंने आपको बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन पढ़ाया था तो उसकी एक लिमिटेशन भी होती है। वो लिमिटेशन ये है कि अलोंग द फ्लो प्रेशर कॉन्स्टेंट या फिर प्रेशर ग्रेडियंट को जीरो मान के चलते हैं। तो उन्होंने प्रेशर ग्रेडियंट को जीरो नहीं माना, तब पूछा कि तब बताइए क्या होना चाहिए, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेंड टू डिक्रीज, क्योंकि और कोई प्रभाव लेने के लिए बताया ही नहीं, केवल एक ही प्रभाव लेने के लिए बताया, वो भी प्रेशर का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि बाउंड्री लेयर इज डिफाइंड। तो भैया मेरे, जो बाउंड्री लेयर होती है सबको बात पता है कि किसी प्लेट के थोड़ा सा ऊपर जाने पर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होता है, और बाउंड्री लेयर थिक लेयर नहीं होती, बाउंड्री लेयर थिक लेयर नहीं होती। तो इनका जो थिक वाला ऑप्शन है ना, वो तो गलत हो गया, थिक लेयर नहीं होती, गलत है, थिन लेयर होती है। तो थिन लेयर, तो ए थिन लेयर एट द सरफेस वेयर ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी एंड टेम्परेचर आर स्मॉल। कहा जा रहा है कि जहां पर प्रेशर ग्रेडियंट, सॉरी वेलोसिटी ग्रेडियंट और टेम्परेचर ग्रेडियंट स्मॉल होते हैं, नहीं सर स्मॉल नहीं होते। आपको बता दें बाउंड्री लेयर ऐसी सरफेस होती है एट द सरफेस एट थिन लेयर, मतलब एक थिन लेयर होती है वेयर प्रेशर वेलोसिटी ग्रेडियंट आर स्मॉल। आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं, थिन लेयर एट द सरफेस वेयर वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट आर लार्ज, मतलब जहां वेलोसिटी और वेलोसिटी ग्रेडियंट लार्ज होते हैं। थिन लेयर एट द सरफेस वेयर वेलोसिटी, वेरी भाई आप लोग अभी ये बात पढ़े नहीं है, दो तरह की बाउंड्री लेयर होती है, जैसे कि मैंने हाइड्रोलिक्स में पढ़ाया जिसको फ्लूड बाउंड्री लेयर कहते हैं, उसी तरह से थर्मल बाउंड्री लेयर भी होती है। थर्मल बाउंड्री लेयर की डेफिनेशन बस इतनी सी होती है कि वह पॉइंट जहां पर मिलने वाला टेम्परेचर फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर के 99% के बराबर हो जाता है, उसको थर्मल बाउंड्री लेयर कहते हैं। तो उन्होंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है कि कौन सी बाउंड्री लेयर है ना। तो बाउंड्री लेयर दोनों में आती है, वेलोसिटी और टेम्परेचर दोनों के इफेक्ट से बाउंड्री लेयर डिफाइंड होती है। आगे बात सुनिए, बाउंड्री लेयर एक मेरी थिन लेयर होती है, ठीक है, एक ऐसी लेयर होती है जहां पर वेलोसिटी ग्रेडियंट और कह सकता हूं टेम्परेचर ग्रेडियंट स्मॉल होते हैं, लार्ज नहीं होते, स्मॉल होते हैं। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट आर स्मॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फॉर टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर, मतलब मेरे पास एक टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर है। तो आप सबको पता है कि टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर के नीचे हमारी एक लेमिनार सब लेयर मिलती है, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर के नीचे एक लेमिनार सब लेयर भी मिलती है। जैसे कि मेरी पास ये पूरी पट्टी हो गई और इस पट्टी में मैंने बताया था कि सबसे पहले फ्लो होता है लेमिनार, फिर ट्रांजिशन, फिर टर्बुलेंट, है ना। और टर्बुलेंट की जो नीचे होती है, डेट मीन्स यहां पर एक लेयर और मिलती है, यही लेयर कहलाती है मेरी, ये जो लेयर है इसी लेयर को मैं बोलता हूं लेमिनार सब लेयर, यही मेरी लेमिनार सब लेयर है, लेमिनार सब लेयर, है ना। तो इनका क्वेश्चन ये था कि बाउंड्री लेयर में जो लेमिनार सब लेयर मिलती है टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर में, उसकी थिकनेस क्या होती है। तो याद करिए, ये मैं पॉइंट बता भी चुका हूं कि लेमिनार सब लेयर की जो थिकनेस होती है जिसको मैं डेल स्टार कहता हूं, इसका फॉर्मूला होता है 11.6, ऊपर होता है न्यू और नीचे होता है यू स्टार, और यू स्टार को बोलते हैं मैं सियर वेलोसिटी। ध्यान रखना, यू स्टार जो होता है उसको बोला जाता है सियर वेलोसिटी, यू स्टार, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मेरे होता है लेमिनार सब लेयर की थिकनेस का। तो लेमिनार सब लेयर की जो थिकनेस हो जाएगी 11.6 न्यू डिवाइड बाई वी स्टार या यू स्टार, यू स्टार बोलते हैं सियर वेलोसिटी। तो जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11.6
इंटू वी डिवाइड बाई यू स्टार, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है, द करेक्ट सिक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एट द गिवन पैरामीटर। कहा जा रहा है कि पैरामीटर का, गिवन पैरामीटर का असेंडिंग ऑर्डर बताइए, असेंडिंग ऑर्डर बताइए। आप सबको पता है कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम बताइए। तो बाउंड्री लेयर थिकनेस है, मोमेंटम थिकनेस है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, बाउंड्री लेयर थिकनेस और मोमेंटम थिकनेस, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब यह है कि कहीं पर भी एनर्जी थिकनेस नहीं है चारों ऑप्शन में, एक तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है, मोमेंटम थिकनेस है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। याद करिए ये जो डेल होता है जिसको मैं बोलता हूँ कि ये थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर है, डेल को बोला जाता है कि सर ये मेरी थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर है, थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था डेल स्टार, डेल स्टार जिसका मान आया था डेल बाई टू, ये कहलाती है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। अच्छा डेल बाई टू जो मैं मान बता रहा हूं ये लीनियर प्रोफाइल के लिए आया था ना। उसके बाद मैंने मोमेंटम थिकनेस बताई थी, मोमेंटम थिकनेस को रिप्रेजेंट किया था थीटा, इसका मान था डेल बाई सिक्स। और एक और थिकनेस बताई थी जिसको बोलते हैं एनर्जी थिकनेस, डेल डबल स्टार, इसका जो मान आया था वो आया था डेल बाई फोर, डेल बाई फोर। तो आप सबको एक बात पता होनी चाहिए कि इनमें से किसके मान क्या है, तभी आप सवाल को सॉल्व कर पाओगे। लेकिन मुझे पूरे ऑप्शन में कहीं पर भी एनर्जी थिकनेस नहीं है, तो एनर्जी थिकनेस का रोल नहीं है, इन तीनों का ऊपर वाले का रोल है। तो असेंडिंग ऑर्डर बताना है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे छोटा पहले, तो सबसे छोटा हो जाएगा मोमेंटम थिकनेस, यानी जहां सबसे पहले मोमेंटम थिकनेस लगा हो वो सही हो सकता है, मतलब सी सही हो रहा है या तो डी सही हो रहा। और सबसे बढ़ता हुआ क्रम बताना है, तो बढ़ता हुआ क्रम बताना है यानी सबसे ज्यादा जिसको डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्री लेयर, सॉरी थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर हो जाएगा डेल, वो हमारा सबसे बाद में होगा, टोटी सबसे ज्यादा है। तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस नहीं, बाउंड्री लेयर थिकनेस, बाउंड्री लेयर थिकनेस। तो बाउंड्री लेयर थिकनेस देखिए मेरा यहां पर कह सकते हो सबसे लास्ट में है, तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इन सभी पार्टों में वो ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट हो जाएगा, सी ये गलत हो जाएगा ना। पहले मोमेंटम थिकनेस सर, उससे बड़ा डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, सबसे बड़ा मेरा बाउंड्री लेयर, क्योंकि डेल है ना, बाकी सब छोटे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर थिकनेस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस। अच्छा हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर थिकनेस इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस, मतलब इन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो बाउंड्री लेयर थिकनेस दी है ना, डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सर्फेस वेयर, वेयर। अब आपको पता होनी चाहिए कि वो डिस्टेंस होती है जहां पर जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी 99% के बराबर हो जानी चाहिए। तो मोमेंटम 99 कहना गलत है सर, वेलोसिटी इक्वल 99% टू टोटल एक्सटर्नल वेलोसिटी। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सिंपली कह सकते हो बाउंड्री लेयर थ्योरी की डेफिनेशन ही है कि वेलोसिटी इक्वल 99%, मोमेंटम कहना गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।